सोनीपत गन्नौर स्थित अंतर्राष्ट्रीय फल मंडी का ACS देवेंद्र सिंह ने दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मंडी में चल रहे कार्य को लेकर चर्चा की, साथ ही मंडी के साइड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए मंडी में व्यापारियों, किसानों और ग्राहकों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जाएं। जितना चल चुका है आपको सामने, हम भी एक दूसरी साइड पे खड़े हैं जी। बाकी ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब हमें फास्ट ट्रैक करेंगे इसको जी। फास्ट ट्रैक का मीनिंग ये है कि लैंड हमारी पोजीशन में जी 37 एकड़, ये अपने आप में प्राइम प्रॉपर्टी है जी। बिल्कुल GT रोड के साथ आइडियल लोकेशन है ये हॉर्टिकल्चर मार्केट की, और इसकी जो कंसल्टेंट्स वगैरह लगा के उन्होंने DPR बना दी और DPR सबमिट कर दी है। इसमें टोटल मंडी के बनाने में लगभग 2,500 करोड़ का खर्चा होगा जी। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1,600 करोड़ के करीब तो हम जो है ना एक्सटर्नल एजेंसी से कहीं से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 800-900 करोड़ वो हमारा गवर्नमेंट ने बजटरी कमिटमेंट दी है कि बजट से देंगे, तो इसलिए फंडिंग टाइड अप हो गई। सर जो एक्सटर्नल एजेंसी वाला है वो हमारा प्रोसेस चल रहा है अभी, नीति आयोग में हमने प्रेजेंटेशन कर दी है, भारत सरकार को हमने बोल दिया कि हम किसी ऐसी एजेंसी जिससे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोन, लो रेट किस लिए कि अगर मान लिया लो रेट में मिलेगा तो जो यहाँ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ पर, ये जो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है एग्रीकल्चर में जो, अब ये इसका नमूना होगा, उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को क्या करेगी, जिस तरह मान लिया रोड है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है और कॉमन शेड है, ये इस पर खर्चा तो सरकार करेगी। कोई इंस्टीट्यूट बनानी है, हॉर्टिकल इंस्टीट्यूट फार्मर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, ये सारा तो इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा जो रेंटल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा रीजनेबल रेंट पर। लेकिन बाकी जो इन्वेस्टमेंट जिसमें कुछ कमर्शियल एरिया हमने रखा है, यहाँ शॉप कम ऑफिस बनेंगे, मान लीजिए होटल्स बनने हैं, अकोमोडेशन बननी है, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी होगी तो बाकी फैसिलिटीज भी चाहिए। फिर यहाँ कोल्ड स्टोरेज है, प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोसेसिंग। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।